नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथिगन भाई एसके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम CHSL और CGL के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, क्वेश्चन हमारा पहला है, इफ़ कोट थीटा बराबर 21/20 देन वाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। तो कोट थीटा हमें दे रखा है 21/20, हमें बताना है कोसेक थीटा की वैल्यू। तो दोस्तों, ये एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, LAL बटे KK। एल का मतलब है लंब और एक का मतलब आधार और के का मतलब क्या है, करण। तो इस तरह से दोस्तों, ये लंब बटे करण क्या होता है, साइन थीटा, और आधार बटे करण क्या होता है, कोस थीटा, और लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। और इनका उल्टा करें तो आधार बटे लंब क्या होगा, पीछे से देखेंगे तो आधार बटे लंब कोट थीटा, करण बटे आधार क्या होगा, सेक थीटा, और करण बटे लंब क्या होगा, कोसेक थीटा। तो दोस्तों, हमें कोट थीटा दे रखा है, तो कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। तो ऊपर वाला आधार हो जाएगा हमारा, आधार कितना है 21 है और लंब कितना है 20 है। तो दोस्तों, एक ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट क्या होता है, 20, 21 और 29। तो ये ट्रिपलेट होता है। तो दोस्तों, इसमें से सबसे बड़ी भुजा होती है, वो होती है करण। तो यहाँ करण हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ करण हमारा हो जाएगा 29, और आधार हमें पता ही है कितना है, 21 है, और लंब कितना है, 20 है। तो हमें कोसेक थीटा निकालना है। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, करण बटे लंब। तो करण बटे लंब, तो करण हमारा कितना है, 21 है, करण हमारा कितना है, 29 है, और लंब कितना है हमारा, 20। 29/20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 है दोस्तों, इफ़ AQ+BQ = 35 एंड AB = 6 देन वाट इज़ द वैल्यू ऑफ A+B। A+B का मान हमें निकालना है, हमें क्या क्या दिया है, AB = 6 और AQ+BQ = 35। तो दोस्तों, इसे वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते हैं, यहाँ ए की जगह हम कितना लिखेंगे, 3, और बी की जगह लिखेंगे 2। दोस्तों, 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और 2 का क्यूब 8, दोनों को जोड़ेंगे तो 35, हमें ये सेटिस्फाई कर देता है। दूसरे में रखेंगे 3 और 2, तो ये भी सेटिस्फाई हो जाता है, 3 × 2 = 6। तो अब हमें क्या निकालना है, A+B, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इफ़ इट्स डायगनल इज 25 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स साइड इज 24 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल मैंने बना लिया, तो रेक्टेंगल में हमें एक डायगनल दे रखी है, डायगनल कितनी है दोस्तों, यहाँ 25, डायगनल 25 है, और उसमें एक साइड दे रखी है 24। तो ये वाली लंबाई को हम 24 मान लेते हैं। तो दोस्तों, ये इतना इतना ये त्रिभुज है, ये वाला, ये क्या बन गया, राइट एंगल। तो राइट एंगल में हमें हाइपोटेनस पता है, करण पता है हमें, और आधार पता है। तो हम लंब निकाल लेंगे कैसे, पाइथागोरस त्रिभुज प्रमेय से या ट्रिपलेट। तो दोस्तों, 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ आ जाएगा 7, क्योंकि 7 और 24 का वर्ग करके दोनों को जोड़ेंगे तो 25 के वर्ग के बराबर आएगा। तो हमें अब लंबाई भी पता लग गया और चौड़ाई भी। तो दोस्तों, हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, L × B। तो दोनों को गुणा कर देंगे, 24 को और 7 को, तो 24 × 7 कितना होता है, 168। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 168, जो कि ऑप्शन 4 में हमारे जो 168 है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ए शॉपकीपर मार्क्स अप इज वेयर्स बाय 60% एंड ऑफर 25% डिस्काउंट, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज 1600। इसमें ये कहा है कि कोई दुकानदार है, अपने सामान पर 60% की अधिक अंकित कर लेता है क्रय मूल्य से और 25% का डिस्काउंट देता है। तो हमें बताना है सेलिंग प्राइस क्या होगा, जबकि कॉस्ट प्राइस कितना है, 1600। तो 1600 कॉस्ट प्राइस है,
तो दोस्तों हम 100 कॉस्ट प्राइस मान के चलते हैं, तो वो सेलिंग वो एमआरपी कितना लिखेगा, 160, और 25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 25% का डिस्काउंट देता है 100 पे, तो दोस्तों वह 25% 160 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 25% कितना होता है 160 का, 40, क्योंकि 10% 16 है, 20% 32 और 25% 40, तो 40 घटा देंगे 160 में, कितना आ जाएगा 120। तो दोस्तों 100 हो गए हमारा सीपी और 120 हो गया हमारा एसपी, और ये है एमआरपी। अब यहाँ सीपी हमारा कितना दिया है 1600, तो यहाँ कितना है 16, यहाँ 100 है और यहाँ 1600 दिया हुआ है, तो कितना गुना है 16 गुना, तो 120 को भी 16 से गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों हमें 16 × 160 1920 आ जाएगा ये, तो 1920 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 1920 कौन सा है, ऑप्शन ए है जो कि हमारा राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 है दोस्तों, क्वेश्चन 5 है इफ एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 15 का स्क्वायर बराबर 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 5। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, तो दोस्तों ये जैसे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर है, ये जेड माइनस 15 का स्क्वायर है और बराबर 0 है, तो इन क्वेश्चनों में एक्स और वाई की और जेड की वैल्यू डायरेक्ट हमें निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस 2 है इसको बराबर 0 रखेंगे तो एक्स बराबर हमें कितना मिल जाएगा 2, और वाई बराबर कितना मिल जाएगा, जैसे ये माइनस 3 हो जाएगा इधर राइट में जाएगा तो ये माइनस 3 मिल जाएगा, और जेड हमें कितना मिल जाएगा, ये माइनस का इधर राइट में जाएगा तो प्लस का, तो जेड की वैल्यू 15, वाई की माइनस 3 और एक्स की 2, हमें निकालना है ये। तो दोस्तों हम तीनों को जोड़ देते हैं और 5 घटा देते हैं, तो 2 माइनस 3 है तो माइनस 3 प्लस 15 और माइनस 5, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 15 2 17 17 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 9, कितना आ जाएगा 9, तो 9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये 5 क्वेश्चन करे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।